अगले तीन दिन देश के लिए रहेंगे भारी। बहुत बड़े संकट का मंडराया खतरा। मोदी को बुलानी पड़ी बैठक। पूरे देश में रेड अलर्ट। हो जाएं सावधान, कहीं बन न जाए इस खतरे का शिकार। दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल से लेकर उड़ीसा, किसान से लेकर मजदूर, गरीब हो या अमीर, हर किसी को ये आफत घुटनों पर ला देगी। तबाही ऐसी होगी कि सब कुछ हवा में उड़ जाएगा, चारों तरफ सैलाब आएगा, तूफानी बवंडर के आगे इंसान बेबस लाचार नजर आएगा। मोदी को जैसे इस खतरे की भनक लगी, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। योगी ने भी यूपी में इस संकट को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कह दिया है। तो आखिर ऐसी कौन सी आफत आने वाली है जिससे मच जाएगा कोहराम, हर इंसान हो जाएगा परेशान। दरअसल भारत में मोचा आ रहा है। जी हाँ, मोचा, तबाही का दूसरा नाम। एक चक्रवात जो आएगा और ना जाने कितना नुकसान करके जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोचा तेजी से बढ़ते हुए 13 मई की शाम को खतरनाक तूफान में बदल सकता है और इससे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। शुक्रवार रात से ही इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने तीन दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम और मणिपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं राज्य सरकारों ने सभी संबंधित अधिकारियों से जान माल के नुकसान को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। ये बांग्लादेश और म्यांमार तट की ओर बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए निचले और तटीय इलाकों को खाली कराते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना जिला, सुंदरबन आदि के इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई है। चक्रवाती तूफान मोचा बंगाल की मध्य खाड़ी क्षेत्र से सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत ही तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात मोचा शनिवार शाम के आसपास अपनी चरम तीव्रता तक पहुंच जाएगा। इसके बांग्लादेश म्यांमार के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। रविवार दोपहर के आसपास म्यांमार के सितमे के करीब होगा। ऐसी आशंका है कि चक्रवात मोचा के कारण 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इनकी अधिकतम गति 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी असम में अधिकांश स्थानों पर बारिश और भारी बारिश होने की संभावना है। इससे शनिवार और रविवार को इन राज्यों में जनजीवन पर असर पड़ सकता है। बारिश और तेज हवाओं के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में भूस्खलन की भी संभावना है। इसके साथ ही भारी बारिश के कारण कच्ची सड़क में कुछ दरारें, छोटे पेड़ों का उखड़ना और पेड़ों की शाखाओं का टूटना, छोटे पेड़ों को नुकसान और खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसका असर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखा जा सकता है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं पीएम मोदी भी लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात में भी इस चक्रवात को लेकर बात हो चुकी है। ऐसे में इस आफत को लेकर हर कोई अलर्ट पर है।